अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज जो है मैं मल्टी टच जो है टेस्ट करने लगा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A52 5G वर्जन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मल्टी टच का लोगों ने बोला था कि इसमें इशू है मल्टी टच का, कि इसमें हम लोगों को जो है मल्टी टच का इशू आ रहा है। भाई तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं कितना सही हो रहा है यहाँ पे टच। और ये अगर मैं यहाँ पे अपनी पाँचों में उंगलियों से करूँ तो फिर भी सही है दोस्तों, तो कोई भी इशू नहीं है मल्टी टच का। ऐसा कुछ कुछ के हो सकते हैं डिवाइसेस में शायद आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों का जो डिवाइस है वो 4G वेरिएंट है या 5G वर्जन है, कौन सा है। और किसी के अगर इशू आ रहा है तो वो कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। यहाँ मेरे डिवाइस में तो इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कितना स्मूथली हो रहा है यहाँ पर टच। तो और ये जो 5G वर्जन है दोस्तों, ये 90Hz या इस तरह का कुछ भी सीन नहीं है इसमें, 120Hz रिफ्रेश रेट है इसका। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ सेटिंग्स में जाके, ताकि आप लोग कमेंट्स में ये ना बोलें कि भाई ये 90Hz इसका इतना रिफ्रेश रेट नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 120Hz रिफ्रेश रेट हमें मिल जाता है 5G वर्जन में। और ये इन्होंने छोटा सा कंपैरिजन भी बनाया किस तरह का लगता है स्क्रोलिंग में। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप लोग फ्यूचर वीडियोस मिस ना करें, और लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, अल्लाह हाफिज़।